बीते हुए कुछ दिनों पहले यानी कि मेरे उंगली में कुछ परेशानियां और दिक्कत आए थे, जिसकी वजह से मेरे उंगलियों में सूजन और उस पर एक घाव हो गया था। तो मैंने कई जगह दिखाया बट उसका कोई इलाज ठीक से नहीं हो पाया और ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली में एक बार वहाँ पे कंसर्न करें। पेशेंट को हमने दवाई हाथ में इंजेक्ट करी और उसके विद इन 2 मंथ्स में उनका सारा रेस्ट पेन रिलीव हो गया एंड अल्सर हैज़ हील्ड। सो दिस ट्रीटमेंट बेसिकली शुड बी ऑफर्ड टू पेशेंट्स विच हैव अनरिकंस्ट्रक्ट, मतलब कि जिनमें सर्जरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोटी छोटी रक्त की नाड़ियाँ जो ब्लॉक हो गई उनमें ये ट्रीटमेंट ट्राई किया जा सकता है। उंगली में मेरा मेजर प्रॉब्लम्स जो है, सबसे पहले बड़ा और एक घाव हो गया था जो कि उंगली के आगे वाले हिस्से पे। तो उसके बाद उसमें रैशेस और साथ में अंदर से उंगली के घाव के अंदर से पानी और गंदगी निकलता था, और साथ में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि उसमें दर्द बहुत काफ़ी ज़्यादा होता था जो कि रात रात भर मुझे सोने नहीं देते थे। और तकरीबन ये मुझे 5 से 6 महीने ये दर्द मैंने सहा है। तो उसके बाद फिर जाके मैं यहाँ पे आके फिर इसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया था। तो अभी उंगली जो है जिस पे घाव हो गया था वो भी ठीक हो चुका है, और साथ ही जो सूजन था उंगली में वो भी ठीक हो चुका है। पेशेंट जिनको रात भर पेन होता है, स्मोकिंग बंद नहीं कर सकते, स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं, उनके में ये रक्त की नाड़ियाँ पैदा करती हैं और छोटी छोटी जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं खून की नाड़ियों में, वहाँ पे ये दवाई अच्छा काम करती है और नई नाड़ियाँ पैदा करने का काम करती है। मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली जो शालीमार बाग में है, मैं इस हॉस्पिटल में पहली बार यहाँ पे आया हूँ, और पहली बार का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और मैं 24 घंटे के लिए यहाँ पे एडमिट भी रहा हूँ। तो यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, मिलजुल के रहते हैं, काफ़ी अच्छा ख्याल भी रखते हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स उनका स्वभाव अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है। और तो कई और जगह पे देखिए डॉक्टर्स का थोड़ा बात करना और स्टाफ के साथ थोड़ा तालमेल ठीक से नहीं बैठते हैं। तो इस हॉस्पिटल में जहाँ तक मैंने देखा है तो वहाँ तक डॉक्टर्स और स्टाफ सभी बहुत ही अच्छे हैं। एम्पूटेशन करना आसान होता है बट लिम सेव करना मुश्किल है। सो आज की तारीख में जितना हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं बिना सर्जरी के लिए, एल्डरली स्मोकर्स, उसमें ये एक बेनिफिशियल आउटकम दे सकता है। मैं मैक्स हॉस्पिटल को और साथ ही स्पेशली मैं डॉक्टर अचित शर्मा जी को और यहाँ के सभी स्टाफ्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज मेरा हाथ या उंगली, इन दोनों में से एक मेरा ख़त्म होने वाला था, उनकी वजह से आज मेरा उंगली बचा हुआ है। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर्स और स्टाफ सभी को थैंक यू और जुले कहना चाहूँगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.